डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के बैक पेपर सीरीज़ का सेक्शन सी डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं बैक पेपर सीरीज़ के अंदर और वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूँगी और इस प्लेलिस्ट को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ कि पास तो आप आसानी से हो ही जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का बैक पेपर सीरीज़ का पूरे वीडियोस अच्छी तरह से पढ़े थे तो आपने देखा होगा कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली जो मैंने बताए थे उसी में से थे। और मिलते जुलते अगर हम क्वेश्चंस देखें डिजिट्स चेंज करके या सिमिलर क्वेश्चन, तो 70 मार्क्स का आपका लगभग उससे बन रहा था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ अगर आपने वीडियोज़ अच्छी तरह देखे थे तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं 7 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है, मैं बता दूँ बच्चों, मैं अपने कॉलेज में एग्ज़ाम की इंचार्ज भी हूँ, तो इन दिनों मुझे बहुत कम टाइम हो पा रहा था, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ ये वीडियो। इसमें जो फर्स्ट के 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले से डेडिकेटेड वीडियो इन पर कर चुकी हूँ, तो ये 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। 3 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊँगी। इन 7 में से 2 क्वेश्चंस आपको लगता है कि बन जाएंगे, इसलिए आप इन 7 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन सी के लिए सबसे पहले मैं 7th क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगी और ये क्वेश्चन 2019 में एग्ज़ाम में आया हुआ है और मुझे लगता है कि इस बार इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है ये, सिमिलर क्वेश्चंस या हो सकता है ए और बी की जगह पर केवल डिजिट्स चेंज हो जाएं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 25 मार्क्स के लिहाज से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिए। तो देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर को आपको एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू e की पावर ax साइन bx और आपको प्रूव करना है d2y by dx2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस 2ady by dx इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इस प्रूव करने वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक dy by dx दिखाई दे रहा है और एक d2y by dx2 दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसमें हमें 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है और dy by dx और d2y by dx2 की जो वैल्यूज़ आएंगी उसकी हेल्प से हमारा ये एक्सप्रेशन प्रूव होगा। तो जो गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है y इक्वल्स टू e की पावर ax साइन bx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स, अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जब भी अवकलन करते हैं तो अवकलन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी डी एक्स, इस तरह से ये ऑपरेटर कहलाता है, डी डी एक्स लगाते हैं। वाई का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ऐसे ही आर एच एस में ही बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो दोनों पक्षों का अवकलन करना, यानी दो साइड हमने दो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स यूज़ कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली ऐसे ही आ जाएगा इक्वल्स टू आर एच एस में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपने डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, जिसके अकॉर्डिंग जब हम किसी प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए आपके पास दो फलन है वाई वन और वाई टू और इनका डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट में है, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि वाई वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी वाई टू बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वाई टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी वाई वन बाई डी एक्स। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन है अभी हमारा e की पावर ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है हमारा साइन बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि अभी हमारा फर्स्ट फंक्शन है e की पावर ए एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने से एक्सप्रेशन बन गया है। देखिए इसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, e की पावर ए एक्स ऐसे ही आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स यानी कि साइन बी एक्स का आपको अवकलन करना है। साइन टी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस टी,
ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर टी की जगह पर साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस बी एक्स। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट हो, जैसे बी है, तो ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है आफ्टर डिफ्रेंसिएशन अवकलन के बाद। अगर 5x होता तो इंटू 5 आ जाता, 10x होता तो इंटू 10 आ जाता। तो जब भी कोई वेरिएबल सिंपल x, y इस तरह के होंगे, इनके साथ अगर कांस्टेंट है कोई, तो वो डिफ्रेंसिएशन के बाद इंटू में आ जाता है। प्लस बिल्कुल ऐसे ही अब इधर भी हम अप्लाई करेंगे, साइन बी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इंटू, अब e की पावर ए एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन होता है t के रिस्पेक्ट में, e की पावर t सेम रहता है, डिफ्रेंसिएशन के बाद भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर भी e की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो डिफ्रेंसिएशन के बाद भी e की पावर ए एक्स ही आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, अगर उसके साथ में कोई कांस्टेंट है तो वो इनटू में आ जाएगा, x के साथ a है तो इनटू में a आ गया, जो भी कांस्टेंट होगा 5, 6, 7 जो भी होगा वो इनटू में आ जाएगा। तो अब ये हमारा बन जाएगा, सबसे पहले मैं इसे लिख देती हूँ, b e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ये हो जाएगा a e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। देखिए अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, आप देखेंगे कि ये e a x साइन बी एक्स ये बन गया है वापस क्या y, आप चाहें तो इसे इक्वेशन वन कह सकते हैं। तो इक्वेशन वन से y इक्वल टू e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अगर आप यहाँ पर रखें समीकरण एक से y का मान रखने पर, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही आएगा बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स, प्लस सेकेंड वाले में a इंटू इसकी जगह पर अब बन जाएगा इक्वेशन वन से y, तो ये हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा आधा काम हो गया है, एक बार डिफ्रेंसिएशन जो हमने किया था वो हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि आंसर जो हमें प्रूव करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमें दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, या हम कह सकते हैं डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स अगेन, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जैसा कि मैंने बताया डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर को डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी डी डी एक्स का साइन लगा देंगे, तो एल एच एस में डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरह से आर एच एस में भी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए वाई। तो ये हमारा सेकेंड बार डिफ्रेंसिएशन के बाद बन रहा है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग थे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर डी डी एक्स दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ मैं लिख दूंगी डी डी एक्स ऑफ बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सेकेंड वाले के साथ भी डी डी एक्स लिख दूंगी डी डी एक्स ऑफ ए वाई, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या होगा, एल एच एस तो ठीक है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, आर एच एस में बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी अकेला होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है। तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स बच गए, यहाँ पर फिर ये दो फंक्शन हो गए हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसमें फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे जैसा हमने पहले किया। तो जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो क्या बताया था मैंने, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आता है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है कॉस बी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। तो ये तो पहले वाले टर्म में डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस अब सेकेंड वाले में डिफ्रेंसिएशन करना है तो ए बाहर आ जाएगा और वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही हमारा आ जाएगा। अब देखिए बी इंटू ई की पावर ए एक्स, अब देखिए कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मैंने अभी जैसे साइन टी के लिए फार्मूला बताया था वैसे ही कॉस टी के डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला होता है माइनस साइन टी, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए ये आपका बनेगा कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी होता है,
कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, मैंने आपको बताया, तो इंटू बी। प्लस सिमिलरली सेकेंड वाले में क्या होगा, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अभी फॉर्मूला बताया था, चेंज नहीं होता है, यही रहता है, लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो इंटू में आ जाएगा ए, प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी इंटू ई की पावर ए एक्स, ये माइनस शुरू में ले सकते हैं हम, इंटू बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स ऐसे लिख दिया है मैंने यहाँ पर। प्लस ए पहले लिख लेती हूँ, ई ए एक्स पहले लिख लेती हूँ, कॉस बी एक्स, प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी बन जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बी ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर को फिर से एक सब्स्टिट्यूशन होना है। आप देखेंगे ये ई ए एक्स साइन बी एक्स, देखिए ई ए एक्स साइन बी एक्स जो है वो शुरू में जो हमने इक्वेशन वन ली थी वहाँ से बन जाएगा वाई। ठीक है, तो इक्वेशन वन से हमने रखा वाई इक्वल्स टू ई ए एक्स साइन बी एक्स, एक तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर जो ये बन रहा है बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो देखिए इसकी बात मैं कर रही हूँ, बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स जो है जहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, इसे हम इक्वेशन टू कह दें अगर, तो यहाँ से ये बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स, बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स ये बन जाएगा। देखिए क्या इधर वाली इक्वेशन को, इसको नहीं इक्वेशन टू इसे ले लेते हैं, इसे इक्वेशन टू कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ वाई की वैल्यू भी वापस रख दी है। तो ये बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स क्या बन जाएगा, ये ए वाई इधर ट्रांसफर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखूँगी तथा बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू क्या रखने पर, डी वाई बाई डी एक्स, ये ए वाई इधर चला जाएगा माइनस ए वाई रखने पर। बस अब हमारा काम हो चुका है, हमने इक्वेशन वन से रखा ये, और इसे भी अगर हम इक्वेशन टू कह दें, यहाँ पर लिख देते थे था समीकरण दो से, ठीक है इक्वेशन टू से ये यहाँ पर पुट करने पर। तो अब देखिए हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है, ये हमारा चल रहा था डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पर आ गया वाई, प्लस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स की जगह पर हमारा आया देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ए अभी बचा हुआ है तो ये ए ऐसे ही आएगा, और बाकी बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स की जगह पर आया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, प्लस ये वाला टर्म ऐसे ही लिख देंगे हम ए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर वाई, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई किया ए डी वाई बाई डी एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर वाई, प्लस ये बच गया ए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में मैं कॉमन ले सकती हूँ माइनस वाई, तो माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए डी वाई बाई डी एक्स और ए डी वाई बाई डी एक्स सिमिलर टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ये था हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, बस लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, एक स्टेप और बच गया, यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब देखिए जो प्रूव करना है उसे देखिए, आपको प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, तो आप देख रहे हैं ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई आर एच एस में है, इसे अगर मैं इधर लाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिखा जा सकता है प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये टू ए डी वाई बाई डी एक्स एल एच एस में आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा टू ए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आर एच एस में कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो, बस ये आपका आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है,
सेक्शन सी के लिए 25 मार्क्स का। हो सकता है कि कुछ सेम आ जाए या फिर ए और बी की बस वैल्यूज चेंज हो जाए, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है 25 मार्क्स का सेक्शन सी में। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है सेक्शन सी में 10 मार्क्स का, और ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कभी भी अगर आपका फलन इस फॉर्म का दिया हो, y इक्वल टू एक्स की पावर y, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x एक वेरिएबल है और इसकी पावर भी वेरिएबल है। जब भी आधार यानी बेस और पावर यानी कि घात में वेरिएबल्स चर आए या फिर कोई फलन आए, मतलब x या y आए आधार और घात दोनों में, या x के फलन जैसे साइन x की पावर cos y इस तरह का भी हो सकता है, कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आधार और घात दोनों में x और y के टर्म्स आ रहे हों, तो ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चंस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया जाता है। और कैसे करते हैं देखिए, हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो टेकिंग लॉग, लॉग हम लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारा लॉग एक्स की पावर वाई, तब ये हमारा बन जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू। देखिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी संख्या की घात होती है, ठीक, तो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा, वाई लॉग एक्स। इसके बाद हमें दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करने का मतलब हम इसमें लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। तो लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन वाई इनटू, मैंने कहा जब भी आप y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे होंगे तो आपको एक dy by dx लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, इक्वल टू, यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो फलन बनेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पर लगेगा। तो कैसे होता है देखिए, फर्स्ट फंक्शन हो गया y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ log x, प्लस सेकेंड फंक्शन है log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन का ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इक्वेशन सॉल्व। तब ये आपका बन जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, आना चाहिए आपको वैसे, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एल एच एस में ले आते हैं, ये एक तो पहले से ही है, इसको भी मैं इधर ले आती हूँ, माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ बच गया y अपॉन एक्स। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं dy वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इधर आपका बचेगा वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका आ गया dy वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा वाई, ऊपर वन माइनस ये वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आपको जो प्रूव करना है, देखिए आपको प्रूव करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, तो एल एच एस में आपका केवल डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र जो अपॉन में है वो इसके साथ इंटू में चला जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, ये इसके साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स। तो आप देखिए जो प्रूव करना है उसमें एक्स एल एच एस में आ रहा है, तो ठीक है ये अपॉन में है हमारा, यहाँ आएगा तो ये ऊपर अंश में यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एक्स, और आप देख रहे हैं कि यही आपको प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है ये, अदरवाइज सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है सेक्शन सी में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए, जो कि आपका पूछा गया है 2018 में सेक्शन सी में, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक फंक्शन रिपीट होता हुआ मिलेगा और प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक ये टर्म्स आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए हम क्या करते हैं, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। तो जो गिवन है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान से इसे देखेंगे। हमारे पास है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, एक ही फंक्शन रिपीट होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आ रहा है। इसके अंदर वाले में भी देखेंगे तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एक और टर्म हम दिखे तो रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, पहले वाले टर्म को छोड़ देना होता है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया रूट एक्स, इसके आगे का जो बचा वो फिर से वाई जैसा ही बन जाएगा। अगर मैं इसमें एक टर्म और लिख दूँ रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तीसरा भी लिखूँ प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो वो वापस वाई जैसा ही बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस मैं एक और टर्म लिख देती हूँ एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाले को तो आपको एज इट इज़ रहने देना है, प्लस अब इससे आगे का यहाँ से यहाँ तक जो है, तो आप देखेंगे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये बन जा रहा है वापस वाई जैसा, तो इसकी जगह पर मैं रख दूंगी वाई, ठीक है। जब इन्फाइनाइट टर्म्स होते हैं तो एक टर्म्स को छोड़ देने से आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, तो हम एक टर्म को छोड़ के बाकी वापस वाई बन जाएगा, तो ये हम रख देंगे वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए कभी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए स्क्वायर रूट को हटा दिया जाता है, तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करूँगी, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो देखिए क्या होगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू वाई, और कभी भी y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में एक dy by dx लिखना मत भूलिए, इक्वल टू x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy by dx। तो इस dy by dx को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, 2y dy by dx माइनस हो जाएगा ये इधर आके dy by dx इक्वल टू 1, या फिर इसमें से आप dy by dx कॉमन ले सकते हैं, dy by dx अगर आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका 2y माइनस ये dy by dx मैं बाहर लिख ले रही हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 इक्वल्स टू 1, और आप देख रहे हैं कि यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए कितना आसान है, और सेक्शन सी में ये 10 मार्क्स का 2018 में आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी आपका ये 25 मार्क्स का आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि सहसंबंध गुणांक का है। इस टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो किया हुआ है, मैंने सेक्शन सी के लिए इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चंस आपको बताए थे, दो टॉपिक्स, खास तौर पे पहला कोरिलेशन कोफिशिएंट। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने सॉल्यूशन इसका दिया है,
आप डिटेल में अगर इसका पूरा मेथड जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एंड होपफुली आपने वो वीडियो पहले देख के वो क्वेश्चन सीख लिए होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सेक्शन सी का ये रहेगा, 10 मार्क्स का पिछले साल में आता था, इस साल अगर ये क्वेश्चन आता है तो 25 मार्क्स का आएगा। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए डिटेल में, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर को आपको प्रोवाइड करवाया है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है सेक्शन सी में 10 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, सिम्पसन्स रूल और ट्रेपिजॉइडल रूल। तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुकी हूँ, क्योंकि समय कम है इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसको डिटेल में देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में लगभग पूरी 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में सेक्शन सी में पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। होगा क्या कि या तो डिजिट बदल जाएगी या फिर सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का आ जाएगा, बाकी मेथड, रूल, फॉर्मूले सब एक जैसे अप्लाई होने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सेक्शन सी का मेरा ये रहा। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इक्वेशन। इस पर जो वीडियो है जिसमें स्पेशली मैंने ये दोनों क्वेश्चन ही उस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए। टाइम की कमी के कारण मैं इस वीडियो का सॉल्यूशन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 25 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है गामा फंक्शन का, और यह भी क्वेश्चन हमने एक वीडियो में किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संभावना है कि यह क्वेश्चन भी सेक्शन सी में और हो सकता है कि सेक्शन बी में भी आ जाए, लेकिन यह भी ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपने बैक पेपर सीरीज़ के वीडियो देखे हैं तो डेफिनेटली आपको ये 4 क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। अच्छा ये नहीं भी आता होगा तो इसका वीडियो मैं नीचे दे रही हूँ, आप उसे सीख सकते हैं बैक पेपर सीरीज़ में, शायद पहले हमने इसे डिस्कस नहीं किया है। स्टूडेंट्स ये थी सेक्शन सी के लिए मेरी चॉइस। मैं एक बार फिर आपको सजेस्ट करूँगी कि सेक्शन सी के लिए कोरिलेशन कोफिशेंट, गामा फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफ्रेंसीशन, ट्रेपिजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इससे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में 2 बन जाएंगे। और बाकी सारे वीडियोस भी फिर से रिवाइज़ कीजिए, कल का दिन है आपके पास। मुझे उम्मीद है आप आसानी से पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी चैनल पर बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और रिजल्ट के बाद मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, मैथ्स में कितने मार्क्स आपके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।